वो मेरे पास होकर भी मेरी क्यों हो नहीं पाई, मेरी आंखों से फिर एक बार बरसाते बरस आई। यूरुस्वा इश्क था मेरा, मोहब्बत को बयां करके यू चाहत में फना होके मिली मुझको क्यों रुसवाई। तुझे दिल में मेरे क्यों रखना है, बस नामुनासिब प्यार है एहसासों का मंजर ये, ना तेरा कोई कारोबार। मेरे लफ्जों में ढूंढो ना मेरे दिल में छुपे असरार, क्यों दिखता ना उसे मेरा समंदर सा छलकता प्यार। दिल पे मेरे वो बिन बता दस्तक जो देते हैं, वो कहते हैं मेरे हैं मुझको यूं इकरार देते हैं। जमाने का है ये दस्तूर, मुझे मेहमान वो माने, और एक हम हैं जो ख्वाबों का जजीरा साथ रखते हैं। हैं बेरहम वो जिनसे मैंने दिल लगाया था, कायदाए इश्क भी मुझे उसने पढ़ाया था। मेरा दिल आज टूटा है, मेरी रूह आज रोई है, इश्के शफक में मैंने कल तक दिल सजाया था। मेरे यहां जत है वो जो राबता तक भी नहीं चाहते, मेरे ख्वाबों में भी वो एक दफा आना नहीं चाहते। मुझे भी इश्क है उनसे मुसलसल, जानते हैं वो मेरी चाहत में ना है सरहदे, पहचानते हैं वो। मैं तलबगार हूं उस बेरहम की एक इनायत का, वो मेरा वसल है और मैं हूं उनकी एक शिकायत सा। मेरे ये अश्क हालांकि बहुत ही ताबनाक हैं, क्यों मंजर साफ ना उनको मेरे मिस्मार आलम का। बहुत खूब, बहुत खूब, सो बहुत बढ़िया, गुड कविता। थैंक यू सो मच। पोएट्री तो पोएट्री इज ऑलवेज गुड, योर पोएट्री इज ऑलवेज वेरी डीप, वेरी गुड, बट नरेशन नरेशन इज आउटस्टैंडिंग। योर वॉइस वॉइस क्वालिटी इज टू गुड, एंड नरेशन तो मतलब लाजवाब। थैंक यू सो आई थिंक द न्यू टैलेंट विच हैज ज्वाइंड अस, उनको मैं बता दूं, कविता शर्मा, शी इज ज्वाइनिंग अस फ्रॉम स्वीडन, और इनका अपना चैनल, यूट्यूब चैनल है कविता शर्मा नाम से। अगर आप उस चैनल पे जाके सुनेंगी, देखेंगी इनकी पोएट्रीज जो परफॉर्म करती हैं ये, इट इज अमेजिंग। और जस्ट नॉट जस्ट पोएट्रीज, यू जस्ट सी हर कॉमेडी वीडियोज ऑल्सो, शी डज लॉट ऑफ कॉमेडी स्टफ ऑल्सो, उसके अंदर आप देखेंगे तो आपकी इनकी एक्टिंग है जो इनकी कॉमिक टाइमिंग है, यू विल बिकम फैन ऑफ हर। तो श्वेता, श्वेता Yeah, I think like I just love the way you narrate. Like it's a very unique style, I think. Like you just completely engage in, I love the way you narrate. And yeah, the poem also is very, very beautiful. I'm going to make a note to myself that I'm going to learn Hindi very well so I can better this poem. But yeah, thank you so much. It was beautiful. Thank you, Shweta. That's so kind. So I could feel that, you know, if it will sound like a hyperbole, I know, but I was feeling like some goddess of poetry came here she was narrating. It was so bliss. It was my bliss to hear that. So thank you, Krishna. I'm yet to learn the way you narrate. Thank you so much. Okay, Minu? आपने सब कुछ बोल दिया, हर स्टाइल ऑफ नरेशन, पोएट्री, एवरीथिंग वाज वंडरफुल कविता। यू यू गेट इनसाइड द पोएट्री एंड दैट्स व्हाट आई लाइक इट। मेक्स द वर्ड्स वेरी स्पेशल। बिमल जी, कविता जी, हम तो आपके अंदाजे बयां के फैन हैं। क्या कमाल तरीके से आप बयां करते हैं, और आपके मतलब तरह तरह के हर इमोशंस को आप पोर्ट्रे कर लेती हैं, सो ब्यूटीफुल। बस एक ही हमें तकलीफ है कि आप हमें पता नहीं सुनती हैं कि नहीं सुनती।
हम तो आपको हमेशा सुनते हैं। मैं आपका एग्जाम्पल देता हूँ घर में कि देखो 14 किलोमीटर से मैडम अभी साइकिल चला के आ रही हैं और अब पोइट्री सुना रही हैं। यू आर ग्रेट सोर्स ऑफ इंस्पिरेशन टू ऑल फीमेल्स इन माई फैमिली। थैंक यू। अब मैं बस ले भी नहीं पाऊंगी, अब आपने ऐसे बोल दिया, साइकिल ही चलानी पड़ेगी। कल तो मैं देख रहा था यू आर राइडिंग ऑन समथिंग एल्स, वो क्या बोलते हैं उसको, स्कूटर सर, स्कूटर स्कूटर। अब समर आया ना सर, यहाँ पे एंजॉय करने का दिस इज द राइट टाइम, तो बच्चे के लिए लिया था, तो मैं बोला चलो हम भी थोड़ा ट्राई करेंगे। ओके ओके उषा मैम, कविता आप आए तो बाहर आए हमारे लाइफ में, एंड सो यू आर ब्रिंगिंग दैट बहार ऑफ पोएटिक वर्ड्स एंड द वे यू आर नरेटिंग दैट आल्सो इट इज लाइक बास्किंग इन द स्प्रिंग गेटिंग द फ्लावर्स शवरिंग ऑफ फ्लावर्स दैट्स ऑल नथिंग मोर आई कैन से लवली थैंक यू काजल वर यू एबल टू हियर टू कविता'स पोएट्री मुझे लगता है कि कविता ने आसमान की बुलंदियों को छू लिया है अपनी कविता द्वारा। तो मैंने उनके इंट्रोडक्शन में भी कहा था और वो वाकई में उन्होंने आसमान की बुलंदी को छू लिया है। उनका आपका प्रेजेंटेशन बहुत अच्छा है और आपके शब्द का चुनाव बहुत भावपूर्ण और बहुत ही सुंदर है। ओवरऑल बहुत अच्छा था, प्रयास बहुत अच्छा। थैंक यू। अभी कल ही कविता ने एक अपलोड की है अपनी पोयम रिगार्डिंग द माइग्रेंट लेबर्स, जो कंडीशन में ड्यूरिंग दिस पैंडेमिक दे हैड टू फेस, जो पैदल जा रहे हैं हाउ मेनी किलोमीटर्स माइल्स, तो उसके ऊपर इन्होंने एक कविता लिखी है। मतलब दैट इज टू गुड, बहुत अच्छी। मतलब उसको आप सुनेंगे तो मतलब यू विल हैव टीयर्स इन योर आईज। हर वे ऑफ नरेशन इज एक्चुअली रियली गुड, हर वे ऑफ नरेशन इज रियली गुड। लेबर यस्टरडे बेसिकली आई थिंक 1st of May वॉज देयर, इट्स अ लेबर डे, सो उसके ऊपर इन्होंने उसको कनेक्ट किया है उनके साथ, द माइग्रेंट लेबर्स के साथ, और बहुत अच्छी पोएट्री करी, सो यू मस्ट लिसन टू दैट। सो थैंक यू सो मच कविता।